ये आदत क्यों की जाती है किसी मरीज की, क्यों मशरू है? बल्कि बाज़ रिवायात के अंदर है कि बंदा जब इबादत के लिए आता है तो वो जन्नत की क्यारियों से फल तोड़ रहा है जब तक कि वो इबादत की गरज से मरीज़ के पास होता है। ये आला तरीन मकाम ऐसे शख्स को क्यों हासिल है जो इस इरादे से मरीज़ के पास जाए? क्या मकसद है मरीज़ के पास जाने का? दरअसल इस्लाम ये चाहता है कि इस्लाम के मानने वाले यानी मुसलमान हमेशा कमज़ोर लोगों का सहारा बने, समाज का वो तबका जो किसी भी एतबार से कमज़ोर है उसकी कमज़ोरी कैसे दूर हो सकती है या उसका मुदावा कैसे मुमकिन है, वो तरीक़ा अपनाया जाए। मरीज़ है तो टूटा हुआ दिल उसके पास है। मरीज़ के पास क्या है? अंदर से वो टूटा हुआ होता है क्योंकि बीमारी ने उसके इरादे पर, उसके जज्बात पर और उसके हौसले पर एक कारी ज़र्ब लगा देता है बीमारी। तो ऐसे में ज़रूरत पड़ती है कि वो शख्स जो अंदर से टूटा हुआ हो उसे हौसला दिया जाए, और जब अंदर से कोई इंसान खड़ा होता है, अंदर से उसकी क़ुव्वत काम करने लगती है, जो कि उसकी बातों से पहले या उसके हौसले से पहले करीब करीब वो ऐसी थी कि जैसे कि कोई चीज़ मर जाए या कमज़ोर हो जाए, काम करना बंद कर दे, लेकिन हौसला पाने के बाद कुछ ऐसा महसूस होने लगता है कि वो चीज़ें जो अपना काम करना छोड़ दी थी हौसला पा करके उनके अंदर क़ुव्वत आ गई। तो अगर अंदरूनी क़ुव्वत किसी मरीज़ को हासिल हो जाए और उसके अंदर की क़ुव्वतें काम करना जब शुरू कर दें और बाहर से दवाएं जो डॉक्टरों की तरफ से दी जाएं, तो बाहर की क़ुव्वत अंदर की क़ुव्वत जब दो क़ुव्वतें उस मरीज़ को हासिल होती हैं तो जल्द शफा अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत से उसे हासिल हो जाती है। ये है दरअसल इस्लाम का की तालीमात का वो मकसद जो मरीज़ की इयादत की मुनासिबत से दी गई है कि वो शख्स परेशान हाल है, तकलीफ़ों में घिरा हुआ है, वो मुसीबतों से टकरा रहा है, लड़ रहा है, पर अपने आप को कमज़ोर पा करके मज़ीद कमज़ोरी की तरफ वो दिन ब दिन चला जा रहा है। लेकिन अगर उसके भाई, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त अहबाब पड़ोसी, ये सारे के सारे लोग अगर उसके पास जाते हैं, कुछ खैर के कलिमात कहते हैं, कुछ भली बातें करते हैं, कुछ उसके लिए दुआ करते हैं, कुछ तसल्ली बख्श चीज़ें पेश करते हैं, तो उसके दिल को क़ुव्वत मिलती है, मैं अकेला नहीं हूँ, और वहाँ से अंदर की क़ुव्वतें उसकी जो पजमुर्दगी का शिकार हो चुकी थी, पजमुर्दगी का शिकार हो चुकी थी यानी जिसको कहते हैं मुरझा जाना, किसी को पानी अगर ना दें, किसी फूल पौधे वगैरह को, तो क्या होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो सूखने लगती है, मुरझाने लगते हैं। लेकिन उसी को अगर पानी मिलने लगे और क़ुव्वत की जो चीज़ें होती हैं विटामिन वगैरह ऐसी कोई चीज़, तो फिर वो मुरझाहट उसकी ख़त्म हो जाती है और फिर वो दोबारा खिल जाता है और उसके अंदर क़ुव्वत आ जाती है। तो ऐसे ही मरीज़ का भी मामला है कि मरीज़ की इयादत के लिए जब इंसान जाता है, ख़ुदगर्ज़ी उसका मकसूद नहीं है बल्कि एक अजीम मकसद लेकर के जाता है, जो कि इस्लाम अपने मानने वालों को दे रहा है कि आप जा रहे हो एक ऐसे इंसान के पास जो कि थका हुआ है, जो कि पड़ा हुआ है, जो कि मुरझाया हुआ है, जो कि टूटा हुआ दिल अपने पास रखे हुए है। ऐसे शख्स के पास जा कर के आपको कुछ फ़राइज़ अंजाम देने हैं, कुछ काम करने हैं,
اور کچھ تسلی کی باتیں اس سے شیئر کرنی ہیں اور کچھ ایسی چیزیں کرنی ہیں کہ جس سے وہ اپنا غم بھول جائے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں اپنے گھر کی پرواہ ہوتی ہے, اس لیے وہ زیادہ دن تک بستر پر پڑے رہتے ہیں. مریض ہو گئے بیماری کی وجہ سے وہ ہاسپٹل سے وہ باہر نہیں آ سکتے, لیکن ان کا اس ہاسپٹل کے اندر اور زیادہ دن تک پڑے رہنے کی وجہ صرف ان کی سوچ اور ان کا غم اور ان کی فکر انہیں جلدی شفا کے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہے. حالانکہ وہی قوت اگر ان کے دل کو حاصل ہو جائے تو جو کام کی زیادہ دنوں کا ہے وہ مختصر اور کم دنوں کے اندر انہیں حاصل ہو جائے, کیونکہ دو طرف سے اسے پاور اور قوت حاصل ہونا شروع ہو گئی ہے.